हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईएडी ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम मैकेनिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कास्टिंग। अब कास्टिंग में कुछ हम लेक्चर ले चुके हैं, इस टॉपिक पर कुछ लेक्चर हो चुके हैं, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया गया है। और यकीन मानिए कि वहां तक की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है, और कोई भी क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा तो आप बहुत इजीली उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अपने नोट्स बनाने हैं। जिन चीजों को इंपॉर्टेंट बताया जाता है उन चीजों को आप बॉक्स में रखेंगे हमेशा, या कोई डिफरेंट कलर का पेन यूज करेंगे, ठीक है, बुलेट मार्क्स यूज करेंगे। इन सब चीजों की इसलिए जरूरत है बेटा, क्योंकि जब फाइनली आप किसी सब्जेक्ट को खुद से पढ़ेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज, तो आपके नोट्स तैयार होंगे। अब उन नोट्स में से वो जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बॉक्स में की है या बुलेट बनाकर की है, या फिर आपने उसे डिफरेंट कलर का पेन यूज करके बनाया है, उन्हें एक पेपर पे लिख लेंगे, जिन्हें हम कहेंगे समराइज नोट। ओके, तो ये जो समराइज नोट्स होते हैं ये बेटा एट द टाइम ऑफ एग्जाम बहुत काम आते हैं। तो जो चीज आपको याद नहीं हो रही, प्लस जिस चीज को हम बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उन सब चीजों को बेटा आपको याद रखना है और उनके समराइज नोट्स जरूर बनाने हैं, ताकि फिर बाद में एग्जाम के टाइम में आप विद इन 1 or 2 hours उसका पूरा रिविजन कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो गेटिंग सिस्टम होता है वो किसी मोल्ड कैविटी को कितने टाइम में फिल कर सकता है, ठीक है। अब इस चीज के लिए हमें दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। पहली चीज बेटा पोरिंग टाइम, इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, ठीक है। पोरिंग टाइम यानी कि कितने टाइम में हमें पोर कर देना है लिक्विड मेटल को किसी मोल्ड कैविटी में, सिंपली। ओके, तो देखिए आपको याद रखना है बेटा, जो पोरिंग टाइम होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पोरिंग टाइम जो होता है, मान लीजिए टी कह देता हूं मैं इसे, टी पी, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज क्या बेटा, एवरेज थिकनेस ऑफ कास्टिंग, यानी कि जो आप कास्टिंग बनाने वाले हैं या जो कंपोनेंट आप बनाने वाले हैं उसकी एवरेज थिकनेस कितनी है, इस चीज पे डिपेंड करता है आपका पोरिंग टाइम। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज जो यहां पर पोरिंग टाइम जिस पर डिपेंड करता है, दैट इज वेट ऑफ कास्टिंग, यानी कि जो कास्टिंग बनकर आएगी उसका वेट कितना होगा, ठीक है, और उसका भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ वेट ऑफ कास्टिंग इस चीज पर डिपेंड करता है। तो आई कैन से वेरी इजिली दैट पोरिंग टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज थिकनेस टी, ठीक है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, इसको आप याद रखते हैं। अब इस पर कोई न्यूमेरिकल अगर इन केस आ जाता है तो आपको एक कांस्टेंट जरूर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि जब आप टीपी यानी कि पोरिंग टाइम में से ये आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा स्मॉल के इनटू एवरेज थिकनेस, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, एवरेज थिकनेस इनटू वेट स्क्वायर रूट। ओके, तो ये जो के है यहां पर, दिस इज नथिंग बट दिस इज फ्लूडिटी फैक्टर, ठीक है। किस मेटल को, जिस मेटल को आप मोल्ड में डाल रहे हैं उसकी फ्लूडिटी कैसी हो, उस पर एक डिपेंडेंट एक फैक्टर आपको गिवन होगा, तो यहां से आप उस पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बट अभी तक इसमें न्यूमेरिकल नहीं आया है, बट इनकेस अगर आ जाता है या ये पूछ लेता है बेटा एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था बेटा पोरिंग टाइम के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट चोक एरिया। बेटा अगर आप हमारी सीरीज का लास्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने दो तरह के गेट आपको बताए हैं, प्रेशराइज गेट एंड नॉन प्रेशराइज गेट। तो नॉन प्रेशराइज गेट में मैंने आपको बताया था एक चोक एरिया होता है, ठीक है। अगर वो चोक एरिया, जो कि अब चोक एरिया के बारे में दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज ये बेटा कि दिस इज द स्मॉलेस्ट एरिया इन फीडिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जो पूरी फीडिंग मैकेनिज्म है उसका सबसे छोटा एरिया होता है चोक एरिया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कहां होता है, एट द एंड ऑफ
स्क्रू, ये स्क्रू के ठीक एंड में होता है, ठीक है। आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि चोक एरिया कहाँ हो। अब अगर इसका कोई न्यूमेरिकल आ जाता है या कोई ऐसी चीज पूछ लेता है जिसकी चोक एरिया किस किस चीज पे डिपेंड करता है तो आप बता सकते हैं। तो चोक एरिया को मैं कह देता हूं कैपिटल ए, यहां पे लिख देता हूं चोक, ठीक है। जो चोक एरिया होता है बेटा, दैट उसका जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ कास्टिंग डब्ल्यू अपॉन वेट ऑफ कास्टिंग डब्ल्यू इंटू डेंसिटी इंटू पी इंटू सी अंडर द रूट। मैं आपको अभी इनके नोटेशन के मीनिंग भी बता दूंगा क्या क्या है, 2gh, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं अगर हम w की, दैट इज वेट ऑफ कास्टिंग, वेट ऑफ, वेट ऑफ कास्टिंग हो गया, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें बेटा रो की, रो क्या चीज है यहां पर, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मोल्टन मेटल, डेंसिटी ऑफ मोल्टन मेटल, ओके, डेंसिटी ऑफ मोल्टन मेटल, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं बेटा स्मॉल टी की, दैट इज पोरिंग टाइम, पोरिंग इसे टीपी लिख दीजिएगा बल्कि, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में लिखा था टीपी, दैट विल बी पोरिंग टाइम, ठीक है। मैं अभी यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब उस पर देखेंगे, ठीक है। पोरिंग टाइम, सी, सी इज द नोजल कोफिशियंट, ये आपका नोजल कोफिशियंट होता है। तो नोजल एक्चुअली क्या है बेटा, गेट, जो गेट होता है ना वो जो होता है एक नोजल की तरह होता है, यानी कि जो गेट है आपको पता है बेटा वो एक नोजल की तरह यहाँ ऐसे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक कोफिशियंट है जिसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है, तो आपको ये गिवन रहेगा अगर ये न्यूमेरिकल आ, ठीक है। एंड एच, कैपिटल एच इज इफेक्टिव हेड, इफेक्टिव हेड ऑफ मोल्टन मेटल, ओके, इफेक्टिव हेड ऑफ मोल्टन मेटल इन द पोरिंग बेसिन, ठीक है। तो कहां तक हेड है आपका मोल्टन मेटल में, वो इफेक्टिव हेड, क्लियर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर चोक एरिया, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी चोक एरिया उतना कम लेना पड़ेगा, जितना ज्यादा आपका वेट होगा कास्टिंग का उतना ज्यादा चोक एरिया लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। पोरिंग टाइम अगर ज्यादा होगा तो चोक एरिया कम है, यानी कि अगर चोक एरिया ज्यादा होगा तो पोरिंग टाइम आपका कम होगा, यू जस्ट ऑब्जर्व इट, ओके, सिंपली। सो दिस वाज अबाउट द चोक एरिया, इस पर भी अभी तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, बट स्टिल अगर आता है अब आप कर सकते हैं। हर चीज की नॉलेज लेना बहुत जरूरी हो गया है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोरिंग टाइम फॉर डिफरेंट गेट। नाउ वी विल डिस्कस मोल्ड फिलिंग टाइम, मोल्ड फिलिंग टाइम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं यहां से, ठीक है। तो आपका चाहे गेट का एग्जाम हो या फिर ईएससी का एग्जाम हो या एसएससी जेई का मेंस हो, तो उसमें बहुत क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म के भी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के, ठीक है। तो मोल्ड फिलिंग टाइम निकालेंगे हम बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्ड फिलिंग टाइम टॉप गेट के लिए, इसके लिए निकालेंगे टॉप गेट, ठीक है। टॉप गेट के लिए हम निकालेंगे मोल्ड फिलिंग टाइम। तो टॉप गेट के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए आप अच्छे से कि टॉप गेट होता क्या है, ठीक है। तो टॉप गेट क्या होता है बेटा, दिस इज द पोरिंग बेसिन, यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं, दिस इज द पोरिंग बेसिन, ठीक है, एंड दिस इज स्क्रू, एंड दिस इज स्क्रू, एंड दिस इज योर मोल्ड कैविटी। सिंपल डायग्राम बनाना है, ज्यादा मुश्किल नहीं बनना, ठीक है, ओके। तो यहां पर आप देख रहे हैं तीन पार्ट हैं बेसिकली क्वेश्चन इसके डायग्राम के, ठीक है।
तीन पार्ट है। सबसे पहला क्या है बेटा, दिस इज दिस पोर्शन, यहां से यहां तक का, दिस इज कॉल्ड पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन, ओके, पोरिंग बेसिन। ये यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये दिस इज कॉल्ड स्क्रू, स्क्रू, एंड दिस इज नथिंग बट मोल्ड कैविटी, मोल्ड कैविटी, मोल्ड कैविटी, करेक्ट। अब मान लीजिए इसमें बेटा ये आपका यहां तक लिक्विड मेटल है, दिस इज द लिक्विड मेटल, दिस इज द लिक्विड, ओके। नाउ नाउ अब ये जो पोर्शन है यहां पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन है यहां पर, दिस इज ये पोर्शन को कहा जाता है गेट, यानी कि एंट्री पॉइंट ऑफ मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी, गेट, ठीक है। अब हम कुछ हाइट ले लेते हैं बेटा, अगर मटेरियल की मैं बात करूं तो ओके, इससे मैं कह देता हूं H1 इज नथिंग बट द हाइट ऑफ मोल्टन मेटल इन पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन में लिक्विड मेटल का जो हाइट है वो कितनी है, दैट इज H1, ओके, दिस इज H2, H2 क्या हुआ, हाइट ऑफ लिक्विड मेटल इनटू स्प्रू, स्प्रू में कितनी हाइट है ये भी हम यहां पर देख रहे हैं, एंड दिस इज द टोटल हाइट, दिस इज द टोटल हाइट और मैनोमेट्रिक हाइट, इसको मैं यहां लिख देता हूं बेटा H3, इट इज द टोटल और नेट और मैनोमेट्रिक, मैनोमेट्रिक किसी भी नाम से आ सकती है, हाइट, मैनोमेट्रिक, क्लियर, ओके। नाउ दिस इज द हाइट ऑफ मोल्ड कैविटी, ये मोल्ड कैविटी की हाइट है या थिकनेस है, कुछ भी कह सकते, कैपिटल एच, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बेटा वो आपका ए है, वो क्या है, ए, किसका, मोल्ड कैविटी का, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम है टॉप गेटिंग का, क्योंकि यहां पर जो गेट है वो मोल्ड के टॉप पर अवेलेबल है, टॉप पर है, ठीक है। अब हम यहां पर कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहां पर, दिस इज द पॉइंट वन, और एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, दिस इज द पॉइंट टू, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट हमने यहां ले लिया और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, करेक्ट, ओके। नाउ अब बर्नौली इक्वेशन का यूज करेंगे, मैंने आपको कल समझाया था कि बर्नौली से ही ये आपका डिजाइन होगा, तो हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, बर्नौली इक्वेशन इस पॉइंट पे लगाएंगे, एट पॉइंट वन एंड टू, करेक्ट। तो वन पर क्या होगा, प्रेशर हेड हो जाएगा P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस व्हाट इज द टोटल हाइट H2। हम यहां पर डाटा मान लेते हैं, दिस इज आवर डेटम प्लेन, तो यहीं से जो मेजर करेंगे यहीं से मेजर करेंगे हाइट को, तो पॉइंट वन की इस डाटम से जो टोटल हाइट है वो कितनी है H2, तो मैंने यहां पर लिख दी, तो पॉइंट वन की डाटम से सारी सिचुएशन ये होगी इक्वल्स टू पॉइंट टू के लिए हो जाएगी क्या बेटा P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस, अब डाटम से पॉइंट टू की हाइट कितनी है, कितनी है, जीरो, ओके। नाउ अब बेटा क्या होता है, जो टॉप गेट होता है उसमें बेटा पॉइंट वन और पॉइंट टू पे लगभग इक्वल प्रेशर रहता है, ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि P1 is approximately equals to P2. अब P1 जो बराबर है वो किसके है, वो तो एटमोस्फेयर में ओपन है, तो वहां पर होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर, पी एटमोस्फेरिक प्रेशर, जिसे मैं ले लेता हूं जीरो, जिसे हम क्या ले लेते हैं जीरो, या फिर आप ना भी लिखें जीरो तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब P1 P2 बराबर हो जाएगा ये कट हो जाएंगे। याद रखना बेटा कास्टिंग में जो भी प्रेशर हम लेंगे वो गेज प्रेशर होना चाहिए, फिर से बता रहा हूं,
कास्टिंग में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के चलते हैं तो उसे जीरो ले लेते हैं। अब इससे ऊपर अगर कोई प्रेशर आ रहा है तो वो गेज प्रेशर है, वही काउंट होगा, उसके अलावा कोई काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो P1 और P2 लगभग लगभग बराबर है। बेटा बुक्स में ये बात नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये हाइट ज्यादा नहीं होती है तो यहां इस पॉइंट पर लगभग लगभग प्रेशर बराबर होता है। बट स्टिल क्या होता है बेटा, अगर आप एक्चुअल एनालिसिस करेंगे तो आपको 0.2 पर प्रेशर कंसीडर करना पड़ेगा, रो जी एच टी। 0.2 पर एक्चुअल प्रेशर कितना होगा, रो जी एच टी, दिस विल बी द गेज प्रेशर एट 0.2। ठीक है, बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर एनालिसिस व्हाट वी आर अज्यूमिंग दैट द प्रेशर एट 0.1 एंड प्रेशर पॉइंट एट 2 विल बी इक्वल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। एंड ओके, नाउ द वेलोसिटी एट 0.1। ठीक है, अब आप जानते हैं बेटा कंटिन्यूटी इक्वेशन, आप जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, कि एरिया एट 1 वेलोसिटी एट 1 विल बी इक्वल्स टू एरिया एट 2 वेलोसिटी एट 2, करेक्ट। ओके, अब आप देख रहे हैं बेटा कि एरिया A1 जो है वो बहुत बहुत बड़ा है A2 से। पोरिंग बेसिन बहुत बड़ा होता है, जबकि बेटा स्क्रू का ये जो एंड होता है, ये गेट जो होता है बेटा, ये बहुत छोटा होता है, इसका डायमीटर। तो पोरिंग बेसिन का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत हाई है, किससे, गेट से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वेलोसिटी 2 जो होगी वो बहुत हाई होगी V1 से, यानी कि 0.1 पर वेलोसिटी लगभग लगभग नेगलिजिबल होगी कंपेयर टू एट 0.2। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा यहां पर कि मैं अगर ऐसे लिख देता हूं बेटा A1 अपॉन A2, ठीक है, इक्वल टू होगा V2 अपॉन V1, करेक्ट। तो अगर A1 बहुत बड़ा है A2 से तो जाहिर सी बात है V2 बड़ा होगा V1 से, होगा या नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो एक्चुअली इससे मैं ऐसे इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A1 अपॉन A2 फार फार ग्रेटर देन 1, करेक्ट। तो अब ये चीज किसके बराबर है, V2 अपॉन V1 के, दैट इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, यानी कि V2 अपॉन V1 भी फार फार ग्रेटर होगा किससे, 1 से। तो V2 बहुत बड़ा हो जाएगा V1 से, ये मैंने यहां पर लिखा। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो V1 होगी उसे लगभग लगभग नेगलिजिबल मान लेंगे, लगभग लगभग नेगलिजिबल एज कंपेयर टू V2, एज कंपेयर टू V2। ठीक है, तो यहां तक आपके पास समझ में आ गई। नाउ अब मैं अगले स्टेप की तरफ पढ़ता हूं, इन सब वैल्यूज को बर्नौली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आप देख रहे हैं दो ही इक्वेशन में यूज करिए यहां पर, बर्नौली एंड कंटिन्यूटी। अब इन सारी इक्वेशन, इन सारी वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये तो इससे कट जाएगा और ये लगभग लगभग किसके बराबर है, जीरो के, क्योंकि बहुत कम है, नेगलिजिबल। तो ये आ जाएगा आपका बेटा V2 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू HT, करेक्ट, HT। तो यहां से V2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर द रूट 2GHT। अगर कोई आपसे पूछता है कि गेट में से फ्लो होने वाले लिक्विड मेटल की टॉप गेट के केस में वेलोसिटी कितनी होगी, तो इतनी होगी, एंड दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल एट गेट, करेक्ट। तो टॉप गेट के केस में गेट से फ्लो होने वाली लिक्विड मेटल की हमने वेलोसिटी निकाल ली, क्लियर। तो यहां से हमारा आ गया V2 इक्वल टू अंडर द रूट 2GHT। तो ये तो टॉप गेट की डिजाइन में पहली चीज आई, हमने फ्लो निकाल लिया है यहां पर कितना होगा। नाउ वी विल कैलकुलेट द फिलिंग टाइम, नाउ फिलिंग टाइम के लिए बेटा फिलिंग टाइम टी इन टॉप गेट ऐसे निकाल लीजिए इज इक्वल टू, तो इसका एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन फ्लो रेट एट गेट, फ्लो रेट एट गेट, करेक्ट। अब देखिए बेटा वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, ठीक है, इसको समझ सकते हैं। ये टाइम आएगा सेकंड में, कैसे आएगा बेटा, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, और फ्लो रेट की क्या होती है बेटा मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड आ जाएगा, तो अभी सेकंड ऊपर जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग हो गया है आपका बेटा एरिया क्रॉस सेक्शनल ऑफ कास्टिंग अपॉन हाइट ऑफ कास्टिंग अपॉन फ्लो रेट एट गेट,
अब बेटा गेट पर वेलोसिटी मुझे पता है v2 और इसका एरिया कितना होगा गेट का a2, यानी कि पॉइंट टू पर कितना एरिया, करेक्ट। सो दिस विल बिकम टी टॉप a इंटू एच इंटू a2, या a2 की जगह मैं एरिया ऑफ गेट लिख सकता हूं, क्योंकि टू पॉइंट क्या है, गेट है ना, तो मैं एरिया a2 की जगह एरिया ऑफ गेट लिख सकता हूं अंडर द रूट 2gh2, करेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फिलिंग टाइम बाय ए टॉप गेट टू ए मोल्ड कैविटी ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया a एंड हाइट h, क्लियर है। तो ये हुआ आपका बेटा फिलिंग टाइम फॉर द टॉप गेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक एक लाइन इसकी समझ में आई होगी, इसे दो तीन बार खुद से करके देखिए, क्योंकि मैं देखिए जेई के एग्जाम में सीधा ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है या इसके सीधा कोई न्यूमेरिकल, ठीक है। गेट के एग्जाम में बेटा शेप बदल के पूछा जा सकता है, तो पूरा कंसेप्ट ध्यान से समझना जरूरी है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गेट एग्जाम के लिए अगर टॉप गेट पूछा है तो डायरेक्ट ये यूज कीजिए, और अगर उसने कुछ और शेप दी है तो आप बर्नौली से ही सॉल्व करना और कंटिन्यूटी इक्वेशन से ही सॉल्व करना, ठीक है। इसी तरह से मैं एएससी के लिए भी कहूंगा। आई होप आपको ये टॉपिक आज बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो बेटा टॉपिक, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द हम आपके सामने बेटा बॉटम गेट का डिजाइन भी प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।